मोदी जी ने क्या किया इसमें? जाहिल नेता है, ठीक है भाई, जाहिल नेता। हम सोच समझ के, मेरा नाम अरमान है, हाँ अरमान है। पीएम को आप क्या बोल रहे हो? जाहिल, अरे वो बात नहीं है, अंग्रेज से एक हाथ में कुरान पकड़ो दूसरे में पत्थर पकड़ो। मोदी ने कहा कि एक हाथ में कुरान, मोदी जी से टेलीप्रोमीटर हटा दो ना, उनसे एक वक्त बात नहीं किया साइंटिस्ट, सब कुछ किया वो। और क्रेडिट मोदी जी, वो तो आदत है पुरानी सी 2014 से किसी चीज के, भाई हम राशन देते हैं। चांद पे झंडा और झंडे में चांद होना बहुत फर्क है। आज तक तो वो सोच रहा था चांद उनका है, पाकिस्तानियों का है। आज फक्र के साथ भारत और भारत का हर बच्चा फक्र के साथ कहेगा, इसके गवाह हम भी है चंद्रयान 3 के। और चंद्रयान तभी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। मैं तो बाबा आदित्यनाथ से कहता हूँ, इनकी जानकारी लेके इनको लाहौर और कराची भेजा दिया जाए। पाकिस्तानी भी क्या कह रहे हैं कि आज जो है देखो भारत कहाँ है और हम कहाँ हैं। अरे हम तो उससे पहले ही एक दिन पहले निकले थे, मगर हम तो जो है जीरो के हाशिए पे है। रोजगार है ना, यहाँ इकट्ठे हो गए आप। अच्छा। ये सबको नौकरी देने के लिए खड़े हो रखे हैं, ये सबको नौकरी देने के लिए खड़े हो गए। और बेरोजगारी आज की तो नहीं है, बेरोजगारी तो कांग्रेस के जमाने से ही चल रही है। फ्री करके केजरीवाल भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा देगा क्या? आपको कैसे पता कि मेरे मन में देश के लिए कितना प्रेम है? पाकिस्तानी प्रेमी है, पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हो। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त हमारा देश तरक्की के रास्ते पर है, हमें इन सब झगड़े की बातों को छोड़ के ये देखना चाहिए कि देश तरक्की कैसे करेगा। कोई परेशानी नहीं है जी, सब खुशहाल है और सब चल रहा है। जो है इंटरनल जो है वो हो रहा है, और एक्सटर्नल में जो है चांद पे इस समय पे हमारा जो है चंद्रयान 3 पहुंचा है, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। वो खुशी का इजहार हम लोग कर नहीं सकते। सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त हमारा देश तरक्की के रास्ते पर है, हमें इन सब झगड़े की बातों को छोड़ के ये देखना चाहिए कि देश तरक्की कैसे करेगा। आप क्यों इसरो चांद पे पहुंचा है, आपको कैसा लगता है? क्या जी? इसरो चांद पे पहुंचा है, कैसा लगता है? मैं महसूस करता हूँ इसरो अचानक चांद पे नहीं पहुंच गया भारत। भारत के लिए 1947 से लोग काम कर रहे थे, 1947 से जितने भी साइंटिस्ट उन सबको श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने एक बुनियाद रखी और उन्होंने सीढ़ियां बनाई, चाहे उसके अंदर मोदी को क्रेडिट नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है इन सब लोगों को मेरे अंदर पाकिस्तान नजर आ रहा है। आपने बोला ही ऐसी बात, आपने पाकिस्तान, आप में किसी को पाकिस्तान नजर नहीं आता। आप पाकिस्तान समर्थन हो सकते हैं, मगर आप पाकिस्तानी नहीं। देखिए, 3 साल का बच्चा भी हमें, मैं ये समझता हूँ कि इन सब बातों को छोड़ के अगर हमारा फोकस ये हो कि हम देश की गरीबी को, जो अभी बाढ़ आए, सूखा पड़ा हुआ है, इतनी परेशानी है इंडिया में, हम इधर उधर ना देखें। ये सब गलत बात है, कोई परेशानी नहीं है जी, सब खुशहाल है और सब चल रहा है। जो है इंटरनल जो है वो हो रहा है, और एक्सटर्नल में जो है चांद पे इस समय पे हमारा जो है चंद्रयान 3 पहुंचा है, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। वो खुशी का इजहार हम लोग कर नहीं सकते। बल्कि पाकिस्तानी भी क्या कह रहे हैं कि आज जो है देखो भारत कहाँ है और हम कहाँ हैं। अरे हम तो उससे पहले ही एक दिन पहले निकले थे, मगर हम तो जो है जीरो के हाशिए पे है, ठीक है। दूसरी बात, चांद पे झंडा और झंडे में चांद होना बहुत फर्क है। आज तक तो वो सोच रहा था चांद उनका है, पाकिस्तानियों का है, उन्होंने झंडे में क्या लगा दिया था तो चांद उनका बन गया था। लेकिन आज फक्र के साथ भारत और भारत का हर बच्चा 23 तारीख को जो जन्मा हुआ न्यूली बॉर्न बेबी होगा, वो भी आज ये फक्र के साथ कहेगा, इसके गवाह हम भी है चंद्रयान 3 के। और चंद्रयान 3 का सबसे बड़ी गवाह वो जो है, हम आपको श्रेय देते मोदी जी को, जिन्होंने पिता तुल्य हो गए एक बड़े भाई का, जो वो फर्ज निभाया जो माता पिता निभाते हैं, और कहते हैं कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा कंपटीशन में बैठो, तुम कंपटीशन में जो है आपकी जरूर जीतोगे। और वही हाल हुआ कि आपकी वैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिकों का हौसला उन्होंने बिलो नहीं होने दिया, और जो है उनको जो है हमेशा हौसला बढ़ा करके रखा, और हर भारतीयों के सीने में वो हौसला बढ़ करके रहा। और आज भारत जो है स्वर्णिम अक्षरों में साउदर्न जोन पे, साउथ जोन पे, जहाँ की भारत कभी, भारत क्या 4 और कंट्रियाँ 3 कंट्रियाँ पहले से पहुँची हुई थी, वो 3 कंट्रियाँ उस जगह नहीं पहुँची थी जिस जोन में जो है आज भारत ने जो है अपना परचम लहराया है। आज भारत का झंडा जो है चांद तक लहराया है। आज चंदा मामा हमारे मामा है, चंदा मामा है। दूर के नहीं थे, लोगों को लगता था दूर के, लेकिन अब वो पास के हैं। चंदा मामा पास के, पुए पकाए आस से, थाली वो खाए थाली में, और हमें खिलाए
प्याली में। सर आपने जवाब नहीं, एक मिनट आपने जवाब नहीं दिया। इसरो इसरो चांद पे पहुंचा, आप गर्व महसूस करते हैं? भारत चांद पे पहुंचा, इससे ज़्यादा कोई गर्व की बात हो नहीं सकती। और हमको इस बात पे फख्र है, हमको अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी मेहनत पे फख्र है कि हम बिना किसी की असिस्टेंस के वहाँ पहुँचे हैं। इसमें कोई सोचने की बताने की बात नहीं है। अब हमको साइंस को अलग रखना चाहिए और भारत माता को अलग रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर बात को घुमा फिरा के हम हैं तो एक तो दोनों हैं तो भारत माता का ही ना, साइंटिस्ट भी तो भारत माता से ही हैं। भाई हम भी तो भारत माता से हैं, तो आप मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? आपको कहाँ टारगेट? मैं तो आपसे सवाल मुझको तो ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं, एक मिनट, जितने यहाँ लोग खड़े हुए हैं, एक तो ये मुझे बहरा समझते हैं कि मैं बहरा हूँ, ये चीखने चालू कर देते हैं। अगर तक कांग्रेस सरकार होती तो ये मुमकिन होता, जैसे सन 2008 में पहला और सन 2019 में दूसरा फेलियर, सन 2023 में। प्यारे मित्र आप ये बताओ कि पहला रॉकेट चांद पे कांग्रेस ने भेजा था या बीएसपी ने भेजा था? फिर आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप आखिरी सीढ़ी पे जब पहुंचोगे, जब उससे पहले की सीढ़ियां लगी हुई होंगी और वो सीढ़ियां 35 साल 40 साल कांग्रेस ने लगाई है। मोदी जी से भाई साहब का की सोच ऐसी है, अरे सुन ले भाई साहब की सोच कुछ ऐसी है, अगर मैं कांग्रेस टाइम में पैदा हुआ तो मैं कांग्रेस के गुण गाऊंगा, मैं कुछ और नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है कि उसकी स्थापना कांग्रेस टाइम में हुई थी तो यहाँ आज भी शेरिया कांग्रेस को जाता है, यानी कि मैं अगर कांग्रेस टाइम में मैं पैदा हुआ तो मेरा शेरिया कांग्रेस को जाएगा। क्या कह रहे हो, मोदी जी ने इसरो पर पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया? मोदी जी ने कुछ नहीं करा इसमें, इसमें मोदी जी का क्या हाथ है उसमें? ये नहीं समझ में आ रहा, किया साइंटिस्ट सब कुछ किया वो, और क्रेडिट मोदी जी, वो तो आदत है पुरानी सी 2014 से किसी चीज के। भाई हम राशन देते हैं, हम बिहार से अगर मेरा बाप मुझे पीएचडी कराता है, ठीक है, मैं पढ़ लिख के पीएचडी करता हूँ तो मेरे बाप का कोई रोल नहीं है, वो मेरी मेहनत है। मेरे बाप ने मेहनत करी नहीं, मेरे बाप ने मुझे पुश किया, मेरे बाप ने मुझे पुश किया बेटा उठ कॉलेज जा, अब फेल हो गया तो फिर पढ़ाई शुरू कर। मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं है, मेरे मेरी खुद की उसमें रोल है। अगर मेरे पीएचडी करने में मेरा अगर मेरा सुधान है तो मेरे पिताजी का है। ऐसे ही अगर चांद पे पहुंचा है तो वो सिर्फ मोदी जी का हाथ है, उसके पीछे मोदी जी का हाथ है, मोदी जी का हाथ मारा है। ऐसे खूब रास्ते में मिलेंगे कुछ विरोधी लोग जो मानेंगे नहीं, शायद अपने पिता को भी पिता ना माने। मोदी जी ने क्या किया इसमें? उसको तो हमेशा अरे कांग्रेस भी 2008 में भी चंद्रयान, चंद्रयान वैज्ञानिक है, करना तो वैज्ञानिक नेता नहीं है, जाहिल नेता है। ठीक है भाई, जाहिल नेता हम सोच समझ के दोबारा राहुल गांधी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरमान है, हाँ अरमान है। पीएम को आप क्या बोल रहे हो? जाहिल, अरे जाहिल, अरे वो बात नहीं है, बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से पढ़ा लिखा नेता नहीं है फिलहाल। वो है साला पप्पू, अरे वो संसद भवन में किस मार्च साहब, उनसे पढ़ा लिखा नेता कांग्रेस से।